हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो कभी कभी सुबह उठ के लगता है कि कुछ अच्छा सा खा लें जिससे पूरा दिन एनर्जी मिल जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रेकफास्ट में केक हो जाए तो आप कहेंगे कितनी अनहेल्दी हैबिट्स है इसकी, बट इट इज़ पॉसिबल विद ऑल द हेल्दी इन्ग्रेडियंट्स एंड अराउंड 19-20% ऑफ प्रोटीन इन इट। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सो आज हम बनाने वाले हैं एक रेसिपी जो टिकटॉक पे वायरल हो गई थी, बेक्ड ओट्स की रेसिपी। अब ये रेसिपी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत चेंज कर लें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेक्ड ओट्स बन जाते हैं विच आर वेरी हेल्दी एंड दे टेस्ट लाइक केक, दे मेक यू फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक द होल डे। सो आज हम ट्राई करेंगे बेक्ड ओट्स की दो रेसिपीज़, वन इज़ एगलेस एंड वन इज़ विद एग। एंड ये आप हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में खा सकते हैं, शाम को स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, जब मन करे आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं बेक ओट्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना ओट्स। इसमें हाफ कप ओट्स चाहिए हमें, 1/4 कप मिल्क चाहिए, देन हाफ बनाना, देन वी नीड बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, मेपल सिरप और हनी, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरी मिक्स मैंने लिया है। आप इसमें चोको चिप्स भी ले सकते हैं या प्लेन ब्लूबेरीज भी ले सकते हैं एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओट्स के लिए सबसे पहले ब्लेंड करना ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है। टेक अ हाई स्पीड ब्लेंडर और इस ब्लेंडर में आप सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। पहले हम डालेंगे ब्लेंडर में 1/2 कप ऑफ ओट्स, नेक्स्ट 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, a pinch of salt, half a banana slices, 1-2 tablespoons of honey or maple syrup to give the sweetness. Since we are putting banana, I'm going to take only 1.5 tablespoon of honey. A few drops of vanilla essence, 1/4 cup of milk. You can use toned milk or almond milk or any type of milk. So यहाँ मैंने लिए हैं blueberries and cranberries, dried ones as toppings. So we are not going to put them in the blender. Once all the things are blended, we will put this as a topping. तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर देते हैं एक साथ। वी आर गोइंग टू टेक अ माइक्रोवेव सेफ बाउल और उसके अंदर थोड़ा साइड्स में ऑयल लगा देंगे। सो अब हम ये जो ब्लेंडेड ओट्स का मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। ऑफ दिस आई एम गोइंग टू पुट सम बेरीज। Keep this dish inside the microwave and अब हम इसको microwave करेंगे high power पे for I'll set it for 2 minutes and press the start button। ये बन रहे हैं हमारे yummy baked oats। Let's open and check the oats। चलिए check करते हैं हमारे बेक्ड ओट्स बन गए कि नहीं। चेक करने के लिए मैं डालूंगी अपना चाकू एंड देखिए ये पक गए हैं। तो
चलिए टेस्ट करके देखते हैं ये बेक्ड ओट कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी, और ये जो टेक्सचर है ना, ये पूरा केक जैसा लग रहा है, लग रहा है आप केक ही खा रहे हो, जस्ट मैदे का नहीं ओट्स का। तो मुझे अगर इतना यमी बेक्ड ओट्स रोज़ मिल जाए तो मैं रोज़ बना के खा सकती हूँ, एंड हेल्दी भी है ये। तो चलिए इसकी दूसरी रेसिपी ट्राई करते हैं, जो है चॉकलेट बेक्ड ओट्स। ये और भी यमी है बिकॉज इसमें कोको पाउडर है, बट ये रेसिपी हम ट्राई करेंगे विद एन एग। चॉकलेट बेक्ड ओट रेसिपी, विल नीड हाफ अ कप ऑफ ओट्स, 1/4 कप ऑफ मिल्क, 1 एग, बेकिंग पाउडर, हनी और मेपल सिरप, कोको पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम चॉकलेट पीसेस फॉर टॉपिंग। हियर आई हैव टेकन अमूल डार्क चॉकलेट विच हैज़ 55% कोको। तो सबसे पहले हम हाई स्पीड ब्लेंडर जार में डालेंगे हाफ अ कप ऑफ ओट्स एंड देन हाफ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट विच विल गिव द बेक्ड ओट्स अ नाइस फ्लेवर, 1 tablespoon cocoa powder for chocolate flavor, 2 tablespoons of maple syrup or honey for the sweetness, 1 egg to bind the ingredients, 1/4 cup of milk, a few pieces of Amul dark chocolate which we will use as topping and not put in the blender, we will keep it separately। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना देते हैं एक्सेप्ट द डार्क चॉकलेट। सो आई एम गोइंग टू ऑयल, सो नाउ आई एम गोइंग टू पोर द मिक्सचर। सो आई एम गोइंग टू पोर मोस्ट ऑफ द मिक्सचर, नेट leave a little bit. So on top of it I'm going to put a few cubes of chocolate. Pour a little bit of mixture on top of it. In the microwave and microwave it at high power for around 2 minutes, and now I'm going to press the start button. तो ये बन रहा है हमारा chocolate oats. So the oats are done. चलिए check करते हैं oats बने कि नहीं. So ये recipe काफ़ी easy recipe है और झटपट बन जाती है और yummy भी है. सो देखिए ये हमारे ओट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। टू चेक आई टेक अ नाइफ, पुट इट इनसाइड, यस इट्स डन। साइड से भी आप देखिए एकदम केक जैसा टेक्सचर है और सॉफ्टनेस भी केक जैसी ही है। ओट्स को आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसके ऊपर अगेन यू कैन ड्रिजल सम हनी, मेपल सिरप और चॉकलेट सॉस। तो मैं अब डालने वाली हूँ इस पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस, लिटिल बिट जस्ट फॉर द फ्लेवर। और चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं ये गर्मा गर्म ओट्स और देखते हैं कि बने कैसे हैं। तो चलिए इसकी एक बाइट लेके देखते हैं कि ये ओट्स कैसे टेस्ट करते हैं। यम्मी, एकदम केक जैसे लगते हैं, मिनी केक्स एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। तो आपको ये गिल्ट फीलिंग भी नहीं होगी कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं। इनफैक्ट चॉकलेट इज़ माई फेवरेट फ्लेवर, सो मुझे चॉकलेट ओट्स बनाना ओट्स से ज़्यादा अच्छे लगे, बट बोथ आर गुड, द टेक्सचर इज़ गुड। एक हमने विदाउट एग बनाया है और एक विद एग बनाया है। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो सेम चॉकलेट ओट्स को आप विदाउट एग भी बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द एग यूज़ द बनाना। सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ दिस बेक्ड ओट्स रेसिपी। द मेन इन्ग्रेडियंट्स आर ओट्स, मिल्क, बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, बनाना और एग।
So you can use banana if you're a vegetarian or you want the banana flavor, or you can use an egg. And for the topping, you can use anything you want, any flavor you like. You can slice bananas and put them on top. You can put blueberries, you can put the cranberries, or you can put choco chips, anything you like. Agar aapko ye recipe achhi lagi hai, toh please do subscribe. If you have not subscribed, please like and share with your family and friends. And phir milte hain kuch dino ke baad ek new video ke saath. Till we meet again, stay happy, keep enjoying life, and keep safe.